रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसियाया था, घर में ही मिली पराजय के कारण वो तिल लाया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजरे को तोड़ गए थे और खिलजियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे, युद्ध कला के कर्तव्य उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ा था कथा अमर कर आए, जीत गई रजपूती और दुश्मन के मुंड झुकाए। तो इधर नगाड़े बजे उधर दिल्ली में मातम छाया, और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में चिल्लाया। बोला सेना से मुस्तंडो जाओ और मर जाना, अपने बेहूदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना। दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा ना कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मूकी खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके वो राजा छोड़ा ले गए। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। उसने मुझको ललकारा है, मैं उसको ललकारूंगा। घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारूंगा। हाथी घोड़े सजवाओ, भाले पर्ची उठवा लो, सारी तलवारें तीर कटारों कटारी पर धारे रखवा लो। पूछ करो चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो, जो आंखें पद्मिनी को देखे वो आंखें अंधी कर दो। बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना, वीरों से ना जीत सको तो छुपकर तीर चलाना। तबे पांव चित्तौड़ चलो, तुम भनक न हो दुश्मन को, मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को। तो खिलजी अपनी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में। एक मुफ्त सेना को रोका जोरों से चिल्लाया, और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया। बोला सन्मुख दरवाजा तोड़ो, आगे घुस जाओ, मेवाड़ी मान पद्मिनी को मेरे सन्मुख ले आओ। चौबीस सैनिक पड़े सभी का सहसा मन नकुलाया, किला नहीं था सन्मुख उनको काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले माफ करो हम अंदर ना जाएंगे, है विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे, और तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन सिलेंगे। किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे, सोए शेर जगेंगे तो फिर सबकी रूह हिलेगी। कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी, वक्त अभी झुकने का है मेरे आका, झुक जाओ। सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा अंबर सी ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए इतनी लंबाई। लंबाई से भी विशाल थी रावल की प्रभुताई, प्रभुताई से बहुत कठिन थी पद्मिन की ठकुराई। ठकुराई के आगे खिलजी विवश दिखाई पड़ता, किला भेद लेने वाली पर नित्य नीतियां गढ़ता। किंतु किले की उस दृढ़ता का वाह वाह क्या कहना, किंतु किले की उस दृढ़ता का वाह वाह क्या कहना। 8 माह तक रेत छानती रही खिलजिया सेना, वाह। दीवार दुर्ग की ददक रही थी दंगल के जंगल में, और दुष्ट तारुण दुख पाते मेवाड़ी मंगल में। जिधर देखते थे केवल बस रेत दिखाई पड़ता, सन्मुख किला किले सन्मुख रणखेत दिखाई पड़ता। सुनो सहस्त्रों शंकर का सम्मान किले के ऊपर, और एकलिंग महादेव वरदान किले के ऊपर। किला किलेश्वर क्या कमाल था, कुशल कमाल वही था। किला किला था केवल किला किले का नाम नहीं था। गुप्तचरों ने देखा और राणा रावल से बोले, पहले सांस संभाली और फिर धीरे से मुंह खोले। बोले हुकुम किले के बाहर काले घन छाए हैं, खिलजी के कायर सियार द्वारे तक चढ़ आए हैं। खिलजी की सारी सेना है थोड़ी दूर किले से, उस रोज खबर ये रतन सिंह के उतरी नहीं गले से। थे महान बलवान किंतु दिल में खलबली मची थी, उस दिन रावल को गोरा बादल की कमी थी। वाह क्या बात है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि शेर चमकना अपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं वो लड़ मरने का सपना तोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि शेर मांद में छुप कर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु सेना से चुप कर बैठ गए थे, ऐसा नहीं कि राजपुताने में रणवीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि रावल के तरकस में तीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुदार नहीं थी। केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था, मानवता का रक्त बहेगा ये डर टोक रहा था। पर्वत और युद्ध के किस्से और वैश्या का मुख, ये तीनों समुचित दूरी से ही देते सुंदर सुख।
कथा युद्ध की सुनने में रमणीक लगा करती है, मगर समर्थन में शौनित की धार बहा करती है। बच्चे अनाथ होते हैं, बहुएं विधवा हो जाती है, तभी युद्ध की असली सूरत मित्र नजर आती है। वाह! तो यही सोचते थे रावल की अगर लड़ाई होगी तो ये सच है, दुनिया में अपनी ठकुराई होगी, अपनी ठकुराई होगी पर हर जगह बड़ाई होगी, किंतु बड़ाई की कीमत सचमुच योद्धाई होगी। खिलजी की सेना में है जितने भी लड़ने वाले, उनमें से ज्यादातर है भारत के रहने वाले, भारत के रहने वालों से हरगिज नहीं फिरेंगे, जब तक युद्ध तले डालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे। सभा बुलाई गई और सारे मंत्री बुलवाए, सच्चे महारथी और योद्धा भी दरबार में आए। कोई कहे सत्र सन्मुख है रावल, देर न करना, और पड़ोसी राजाओं के लिए टेर मत करना, सच्चा सूरवीर वो ही जो मारे या मरता है, कितने भी स्वान सिंह घेरे पर सिंह नहीं डरता है, मृत्यु वो नहीं जो हमको अपने संग लेकर जाए, मृत्यु वो नहीं जो शरीर से प्राण अलग कर जाए, मृत्यु वो नहीं जो भय का कोई उन्माद उठाए, मृत्यु वो नहीं जो जीवन जीने में आड़े आए, मृत्यु तभी जब कहीं हमारा स्वाभिमान मर जाए, मृत्यु तभी जब हम विपरीत परिस्थिति से डर जाए। राजन क्षमा, मगर कहता हूं कौन मृत्यु होती है, शत्रु अगर ललकारे तो फिर मौन मृत्यु होती है। अरे मातृभूमि है माई, तो माई के लिए लड़ेंगे, जिसमें खेले हैं उस अंगनाई के लिए लड़ेंगे, सत्य सनातनता की प्रभुताई के लिए लड़ेंगे, अटल राष्ट्र भारत की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे, अरे किसी और के लिए नहीं भाई के लिए लड़ेंगे, जग में भरत वंश की ठकुराई के लिए लड़ेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह! फाटक खुले, किले भीतर से लावा फूट पड़ा था, क्या बात है, और खिलजियों पर भूखे सिंहों सा टूट पड़ा था। पद चापों से उड़ी धूल धरती को गगन बनाती, मातृभूमि की रक्षा का क्या अनुपम दृश्य दिखाती, हर हर महादेव की ध्वनि से गुंजित हुई दिशाएं, तभी अग्नि की तेज लपट सी चलने लगी हवाएं, बढ़े काल से हाथ मिलाने, सर पर कफन लपेटे, आज चले आखेट खेलने, एक लिख न दे बेटे, तो आसमान बिस्बुने हुए बाणों को उगल रहा था, और काल भी तीव्र गति से जीवन निगल रहा था, योद्धा अपनी योद्धाई का कर्तव्य दिखा रहे थे, माटी और लाल हो गए सो सोनित मिला रहे थे। उस रोज मौत रणभूमि में कईयों मौतें मरती थी, तलवार ढाल से टकराती थी, चंकारे भरती थी, उस रोज दामिनी भाले की नौकों से खेल रही थी, और कालिका स्वयं स्वर्ग से रक्त उड़ेल रही। क्या कहा, वाह वाह वाह, क्या कहा क्या कहा, वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और कालिका वाह स्वयं स्वर्ग से रक्त उड़ेल रही थी, बहुत अच्छा वाह। अब तक तो स्वाभिमान की एक कथा रणमध्य गढ़ी जाती है, इधर किले के भीतर भी एक जंग लड़ी जाती है। वाह! शाका उधर इधर जौहर, क्या तालमेल अलबेला, मातृभूमि की रक्षा में क्या हुआ खेल अलबेला, स्नान ध्यान के बाद हाथ जब एक लिंग के जोड़े, लगी भवानी जब पहने थे लाल रंग के जोड़े, तो लाल रंग के जोड़ों संग सारे श्रृंगार किए थे, वो सारे श्रृंगार मात ने अंतिम बार किए थे, पहला श्रृंगार आंख में जब काजल की धार लगाई। जरा सोचिए, आपको पता है कि आपको 2 घंटे के बाद में मरना है, अंतिम श्रृंगार पहला श्रृंगार आंख में जब काजल की धार लगाई, अस्त्र छलकना पड़े तभी लक्ष्मण रेखा बनवाई, दूजा श्रृंगार भाल पर माने जब बिंदी को धारा, ऐसा लगा मात ने मस्तक पर दिनकर अवतारा, तीजा श्रृंगार होठ पर माने लाली को लगवाया, अंगारों से अदर हो गए अग्निकुंड तहकाया, चौथा श्रृंगार मात पद्मिनी का आज विश्व ने देखा, जब माने माथे पर डाली स्वाभिमान की रेखा। श्रृंगार पांचवा हाथों की मेहंदी में बोल रहा था, स्वाभिमान का रंग नई पीढ़ी में बोल रहा था, छठवां श्रृंगार कर्ण कुंडल मनमाने लटक रहे थे, जैसे कोई तेज भक्त दीवाने लटक रहे थे, श्रृंगार सातवां
नथनी क्या मर्यादा धार रही थी, उसके आगे पवित्रता भी खुद को हार रही थी। श्रृंगार आठवां स्वाभिमान की रेखा ढाक रहा था और मर्यादा के दर्शन को बाहर झांक रहा था। क्या बात है, वाह। अब तक रण में राजपुतानी खेल आपने देखा, लेकिन नहीं भुलाया जा सकता जौहर का लेखा। वाह। नहीं भुलाया जा सकता बलिदानी ज्वालाओं को, नहीं भुलाया जा सकता 16,000 माओं को, नहीं भुलाई जा सकती कन्याओं की अटखेली, नहीं भुलाई जा सकती वह दुल्हन नई नवेली, नहीं भुलाई जा सकती वह गर्भवती योद्धानी, नहीं भुलाई जा सकती है कभी पद्मिनी रानी।